गाइस अभी आप लोग वेल्वोट्रॉनिक की साउंड सुन सकते हो। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज है 25 जनवरी और अभी अपनी बाइक का काम चालू हो चुका है। सो अभी देखते हैं कि कौन सा रैप कराना है। फिलहाल तो अपने पैनल्स को ग्लॉसी ब्लैक कर रहा हूँ मैं, और ये ब्लैक हो रहे हैं, और यहाँ पे टैंक इसकी वाइट होगी, तो धीरे धीरे होगा काम। अभी 2:30 बजे हुए हैं, तो वो पूरा दिन ही लग जाएगा आज भी। सो बने रहिए आप ऐसे ही वीडियो में और देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पे ये पैनल्स हुए ब्लैक, ये साइड पैनल्स, और बाकी इसको टैंक को करते हैं वाइट। बाकी मैंने ब्लैक इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्लैक यार थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं होता है। वाइट कलर जो होता है उस पर डर्ट जब गिरती है ना, मिट्टी ऐसे, तो बहुत अच्छी लगती है। सो अभी देखते हैं किस हिसाब से क्या होता है। सो ठीक है गाइस, फाइनली ऑल ओवर वाइट करा दिया। अभी इसके ऊपर ग्राफिक्स होंगे, और ये चीज़ ग्लॉसी की हुई है तो शाइन कर रही है बहुत सही तरीके से। और फ्रंट में रेड लाइट इंस्टॉल की है जो पार्किंग वाला ही होता है, और यहाँ पे राइजर लगा दिया एक। इसमें मैं सोच रहा हूँ ब्लू भी डाल सकता हूँ, ब्लू भी अच्छा लग रहा है, रेड भी अच्छा लग रहा है। सो अभी इस पर मेन टैंक का हुआ वाइट, ऐसे लग रहा है जैसे पेंट की हो, बट पेंट नहीं है, ये सिर्फ टेपिंग की हुई है और बहुत अच्छी तरीके से हो गई है टेपिंग, और गोल्डन भी अब अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप। ऑल ओवर लुक में दिखा देता हूँ आपको। सो अभी इस पे काम करते हैं कस्टमाइज स्टिकरिंग के। सो देखते हैं किस हिसाब से होता है और कौन सी टेपिंग के स्टिकर करते हैं। सो आप लोग बने रहिए ऐसे ही वीडियो में। सो रात के बज चुके हैं 8:30, और अभी 1-2 घंटे और लगेंगे, 10 बजे तक हो जाऊंगा मैं फ्री। और रेयर का जब फेंडर आएगा ना, जब ये चीज़ मैंने ऑर्डर की हुई है, तो बहुत अच्छा सही लगेगा। अभी तो चलो 15 फेब तक आएगा अप्रॉक्स। सो बाकी का कंटिन्यू करते हैं अभी थोड़ी देर में। इसके ग्राफिक्स देखते किस हिसाब से होंगे, सारा का सारा कस्टमाइज होगा। सो बने रहिए आप ऐसे। YouTube वीडियो के लास्ट वीडियो के कमेंट भरता हूँ लाइव, यहाँ पे मैंने वीडियो का निकाल दिया है। तो सबसे पहले आया हुआ है कमेंट, ब्रो फेंडर कितने का पड़ा? भाई मेरे को ये दोनों की दोनों चीज़ें 7000 की पड़ी। ब्रो सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो आप, थैंक्स ब्रो, बिग फैन। ऑल ब्लैक ब्रो, ब्लैक इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आपको पता है इस टाइम शाइन जो होता है ना वो वाइट कलर ही कर रहा है, डर्ट में बहुत अच्छा लगता है। देखो मैक्सिमम लोगों ने ब्लैक कलर में बोला है, ब्रो ज़्यादा हो जाएगा ये वाला हेड। भाई मेनली ये अपना हस्कवर्ना का डर्ट बाइक का एक्सपल्स में भी जुगाड़ करके होता है। सो हो सकता है वैसा कोई सीन नहीं है, ब्लैक प्लीज़ बहुत अच्छा लगेगा भाई यार। वो तो मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ, ब्लैक ही बोल रहे हैं सारे के सारे मैक्सिमम। ये देखो इंजन एरर बैटरी का है भाई, पता नहीं यार, मैंने एजेंसी में भी कराया था चेक। ब्रो फ्रंट में ग्राफिक ऐड करो भाई, ऑल ओवर ग्राफिक ऐड होंगे देख सकते हो। और थैंक्स यार, आप लोगों के कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे को, और ऐसे ही कमेंट करते रहा करो। सो अभी कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोग बने रहिए ऐसे वीडियो में। और थैंक्स ब्रो सबने जिन जिन ने कमेंट किया, दिल से शुक्रिया। तो बने रहिए आप ऐसे वीडियो में। गाइस अभी आप लोग वेल्वोट्रॉनिक की साउंड सुन सकते हो, क्या साउंड दे रही है, और इसके अलॉय भी देख सकते हो, ये है बलिनो, और क्या मॉडिफिकेशन की हुई है, और वेल्वोट्रॉनिक की साउंड ना, मतलब अभी भाई जाएंगे, मतलब इनकी साउंड सुनना, ये देखो नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे बाइक की कंडीशन देख सकते हो, अभी तक यही कुछ काम हुआ है, रात के बज चुके हैं 9:30, और अभी हम इसमें ऐड करा रहे हैं ब्लैक कलर की टेप, येलो और एक सिल्वर कलर की, और देख सकते हो अभी तक 50% काम हुआ है, दोनों साइड हो चुका है ये चीज़। ये देख सकते हो पावर्ड बाय KDM, और बाकी अभी अंदर काम चला हुआ है, ये पढ़ सकते हो आप क्या लिख रहे हैं, ये हम लोग इस पे लिख रहे हैं फ्लैप पे,
मड फ्लैप में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बाकी का कंटिन्यू देखते हैं कब जैसे करते हैं। ऑल ओवर लुक मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कैसी रहने वाली है, सो बने रहिए आप ऐसे ही वीडियो में। आप लोगों ने देख लिए इसके सिनेमैटिक शॉट्स, और अभी ये पूरा का पूरा जितना भी हुआ ना, ये पेंट नहीं हुआ है। ये आप लोगों को ऐसे लग रहा हो ना जैसे पेंट हुआ है, बट पेंट नहीं हुआ है। ये टेपिंग हुई है इस पर, और ऑल ओवर मतलब टेपिंग ही हुई है। माइनर पार्ट्स हैं जिन पे पेंट किया हुआ है, जैसे ये ग्लॉसी और ये भी ग्लॉसी की हुआ है, और बाकी इसके अभी तक 80% डन हुआ है काम। और वैसे जैसे नूवी टायर्स डलने इसमें और रेयर का फेंडर। ऑल ओवर आपको लुक कैसी लगी वो कमेंट में बताना, और आज इसे लॉन्च करेंगे यहाँ कुछ ट्रैक पे। देख सकते हो जो भी रॉ क्लिप्स होंगी वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। नूवी टायर्स नहीं है, स्टॉक के साथ ही करूँगा लॉन्च। सो फर्स्ट लॉन्च होगा आज, सो देखते किस तरह लॉन्च होता है। सो बने रहिए आप ऐसी वीडियो में। भाई लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कंटेंट के लिए तो नहीं गिर गए मेरे भाई? चुप भाई, उठा लेगा। देख हैंड गार्ड का क्या बेनिफिट रहा ना। हाँ गलती क्रैश हो गया सभी। प्रेशर हेड ना टूटा हो? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा भी नहीं लगी, बस हैंड गार्ड पे लगा है, बस सीधे गिरा वैसे। पूरा इंपैक्ट हैंड गार्ड पे लगा। वहां पे जंप खाया इसने ना। हाँ अभी फिलहाल बंद कर, बाकी देखते हैं। कुछ नहीं हुआ है, छोटे मोटे क्रैशेस चलते रहते हैं जब आप ट्रैक में आते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फिर से लॉन्च होगा, कोई नहीं, गिरते पड़ते रहते हैं। तो आप लोग इंजॉय कीजिए रॉ क्लिप्स। जैसे कि आपने मेरी नूबी हरकतें देख ली जो मैंने ट्रैक पे की हुई है, बट कोई सीन नहीं है, डे बाई डे इम्प्रूव होगा। और अपने राइडिंग गियर्स भी ऑर्डर कर दिए मैंने, वो अप्रॉक्स 10-15 दिन में आ जाएंगे। और फिलहाल तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। थोड़ा सा मेरे को अभी दिक्कत आ रही है क्योंकि एडवेंचर से मेरी और इसकी हैंडलिंग बहुत दिन रात का फ़र्क है। सो इस व्लॉग को यही एंड करते, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे को यार नहीं लगी है, बस आप लोगों को यही सुजेशन देता हूँ कि आप लोग राइडिंग गियर्स के साथ कीजिए। मैंने नहीं पहने थे, वो मेरी गलती थी, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। सो बाकी लगी कहीं नहीं है, ना बाइक को हुआ है कुछ, ना मेरे को हुआ है, बट वीडियो में आप लोगों को बहुत जैसे लग रहा होना कि बहुत तेज लगी है, सब कुछ नहीं हुआ है। सो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिन्होंने नहीं किया है वो करना, और बाकी लोग शेयर करना। सो ठीक है।